दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम है तो कैश स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम वही जानने वाले। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनीस और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडिया टॉक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें तो अपने मोबाइल में जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसको ऑन कर लेना है। तो मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, तो मैं उसे ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाए। दोस्तों, ये मैंने रोटेट मोड में गूगल को चला रहा हूँ मैं, आप भी इसमें चला सकते। तो हमें यहाँ पर सर्च करना है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट सर्च करने के बाद आपके सामने तो पहले वाली लिंक ओपन हो जाएंगी। तो आपको पहले वाली लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद है तो आपके सामने उसकी बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। इस तरीके से आपके सामने बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम केस स्टेटस कैसे चेक करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी की लिस्ट ओपन हो गई है, तो हम केस स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा केस नंबर, एडवोकेट नेम, पार्टी वाइज और CIN नंबर के हिसाब से। तो हम एक फर्जी केस नंबर डाल के चेक कर लेते हैं केस नंबर वाइज में। तो केस नंबर वाइज पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है बॉम्बे सिविल कोर्ट रजिस्टर्ड अपील फॉर ऑर्डर। तो आप ये भी चेक करके देख सकते हैं, औरंगाबाद जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद ब्रांच में भी देख सकते हैं आप, या फिर सिविल क्रिमिनल ओरिजिनल कोर्ट। तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर हम केस नंबर डाल के सर्च करते हैं। तो ये नंबर का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मैं उसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो केस नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक अपना जो भी केस नंबर है वो डाल देना है। तो मैं यहाँ पर एक फ़र्ज़ी केस नंबर डाल देता हूँ, तो मैं डालता हूँ 138 डाल देंगे। 138 डालने के बाद आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, कौन से साल का केस चेक करना है आपको। तो आप 2019 का देख सकते हैं, 2018-17 जो भी वाइज जो भी साल का होना, आपको 1965 से लेकर 2019 तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो हम 2019 का सर्च कर लेंगे। उसके बाद आपको ये सर्च बाय केस नंबर पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, 2019 में एक भी केस अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम बैक जाते हैं अभी। तो दोस्तों, हमें तो 138 केस नंबर 2018 साल का चेक करना है। तो यहाँ पर हम इसको 2018 कर देंगे और सर्च बाय केस पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएंगी, किसका केस है, किसके विरुद्ध में है, कौन सा कोर्ट है, मुंबई में है, ब्रांच का की है, एडमिशन का क्या है, कौन इसका जज है, कौन वकील है, सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएंगी। आप इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी मार के रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी हाई कोर्ट के केस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए।